गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर वीके गुप्ता कैंपस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अंग्रेजों की क्रूर यातनाओं से हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को आज़ाद कराया। आज हम सभी जो ये खुले आसमान में चैन की सांस ले पा रहे हैं, उसके पीछे हमारे कई पूर्वजों जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस आदि कई पूर्वजों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, तब जाकर कहीं हमारा देश स्वतंत्र हुआ और तब जाकर आज हम इतने फ्रीडम से, इतने आज़ादी से जी पा रहे हैं। और इस बार का स्वतंत्रता दिवस बहुत ही खास होने वाला है। तो क्या है भाई इस बार के स्वतंत्रता दिवस में? तो आप सबको पता है कि इस वर्ष हम लोग अपनी आजादी का 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। और आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री का संबोधन सुना होगा, तो उन्होंने भी पूरे देश की आवाम से, जनता से ये अनुरोध किया है कि इस बार जो हमारा 75वां वर्षगांठ है, बहुत ही खुशी की बात है और इसको हम लोग काफी हर्षोल्लास से मनाएं। सारे देशवासी इसे काफी हर्षोल्लास से मनाएं और इस साल का जो स्वतंत्रता दिवस होगा वो अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आग्रह भी किया है कि सारे देशवासी अपने व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप डीपी पर तिरंगे का पिक्चर लगाएं। तो आपने देखा भी होगा कि हमारा जो भी चैनल है, एक इंजीनियर वीके गुप्ता कैंपस, डाउट सेल, रीजनिंग विद संजीत सिंह, सारे पे हम लोगों ने तिरंगे का डीपी लगाया है। और आप तमाम छात्रों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पे आप सभी भी खुद तो तिरंगे का डीपी लगाए ही, साथ ही साथ अपने साथियों से भी ये आग्रह करें कि वो इस बार तिरंगे को डीपी के रूप में लगाएं और अमृत महोत्सव को, क्योंकि ये जो है, ये अमृत महोत्सव जो है, ये किसी पार्टी का या किसी दल विशेष का नहीं है। ये अगर हम लोग अमृत महोत्सव को मनाते हैं तो ये हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो उनके याद में लगाना है, उनके लिए लगाना है। तो हम समझते हैं कि आप सभी और हम भी, या जो भी हैं हमारे दोस्त वगैरह जो भी हैं, हम लोग इतना तो अपने पूर्वजों के लिए कर ही सकते हैं। तो और भी बहुत कुछ खास बातें हैं इस अमृत महोत्सव के अवसर पर। साथ ही साथ हमारे मुसलमान भाइयों का मुहर्रम भी आ रहा है, हम लोगों के लिए एक हम रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ रहा है। तो इस रक्षाबंधन, मुहर्रम और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है, जो अमृत महोत्सव होने जा रहा है, उस अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर हम आप सबों के लिए भी कुछ खास लेकर आए हैं। तो क्या खास लेकर आए हैं भाई आप सबों के लिए? तो क्रमबद्ध तरीके से सारी चीजों को समझते हैं। तो एक छोटा सा गिफ्ट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी छात्रों, वीके सर, मैं और हमारे जो मैनेजमेंट के टीम हैं, रोशन जी हो गए, मुर्शीद जी हो गए और भी जो भी लोग हैं, शशि जी, सचिन जी, इन सारे लोगों को मिलकर एक छोटा सा परिवार बनता है हम लोगों का, जिस परिवार को इंजीनियर वीके गुप्ता कैंपस या एग्जाम मंत्रा परिवार की ओर से जाना जाता है। तो उस परिवार के हिस्से सिर्फ वीके सर या मैं नहीं हूं, मेनली तो वो परिवार आप लोगों से ही बनता है। और परिवार के आप ही लोगों के लिए, परिवार के जो आप लोग सदस्य हैं, अहम हिस्से हैं, आप लोगों के लिए हम लोग इस अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर
एक छोटा सा तोहफा लेकर आए हैं। क्या है भाई? तो हमारा जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेस है उस पर हम लोग आप लोगों के लिए एक छोटा सा ऑफर लेकर आए हैं। इसे आप रक्षाबंधन के लिए के शुभ अवसर पर बहनों को, हमारी जो भी बहनें हैं उनको, और आप सारे भाइयों को, या मुहर्रम के अवसर पे मुसलमान भाइयों के लिए, और अमृत महोत्सव के अवसर पर सारे आप लोगों के लिए एक छोटा सा ऑफर है। क्या ऑफर है? तो हमारी जो भी ऑफलाइन कोर्सेज हैं, ऑफलाइन में न्यू बैच आ रहा है हम लोगों का 16 अगस्त से, 16 अगस्त से न्यू बैच है, जिसमें मैथ का टाइमिंग है बाबू 7 से 8 PM। एक मिनट, मैथ का जो न्यू बैच का टाइम है वो क्या है, 7 to 8 PM, और रीजनिंग का जो न्यू बैच आ रहा है वो है 6 to 7 PM। तो 6 से 7 PM में मैथ, सॉरी 6 से 7 में रीजनिंग और 7 से 8 में मैथ, दोनों ही 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये दोनों बैच जो है वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में चलेगी। अब ऑनलाइन वालों बच्चों के लिए क्या ऑफर है भाई? तो जो भी हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए सारे कोर्सेज पे, एग्जाम मंत्रा की जितनी भी कोर्सेज हैं उन सारे कोर्सेज पे फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए इस बार ऑफर में कुछ खास है। क्या खास है? तो प्रथम 100 बच्चों के लिए 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, और 100 के बाद जो नेक्स्ट 100 स्टूडेंट होंगे उनके लिए 25% का डिस्काउंट है, और फिर 200 के बाद जो नेक्स्ट 100 स्टूडेंट होंगे उनके लिए बाबू 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, और ये ऑफर यहीं पे फिनिश हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ऑफर मात्र 300 स्टूडेंट्स के लिए हैं। उसमें जो भी जो पहले 100 बच्चे इनरोल कराएंगे अपने बैच को उनको 30% का डिस्काउंट, नेक्स्ट 100 को 25 का, और उसके बाद जो नेक्स्ट 100 हैं उनको 20% का डिस्काउंट है। तो जितना लेट करेंगे आप उतना ही आपको कम बेनिफिट होगा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब कैसे हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में आप इनरोल करेंगे अपने आप को, तो उसके लिए आप सबको पता है कि आपको प्ले स्टोर से जाकर फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम मंत्रा ऐप इंस्टॉल करना होगा। एग्जाम मंत्रा इंस्टॉल करने के बाद उसे रजिस्टर करना है, और जैसे ही आप रजिस्टर कर लेते हैं अपना नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट करके, मोबाइल नंबर ये सब देकर जैसे ही आप उसे रजिस्टर करेंगे आपके होम पेज पे सारे कोर्सेज दिखने लगेंगे। उसमें आपको अगर कोई रिकॉर्डेड बैच या ओल्ड बैच लेना है तो उसे तो आप परचेज कर ही सकते हैं, साथ ही अगर आप न्यू फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, अब ये फाउंडेशन बैच में आप क्यों ज्वाइन करेंगे, क्या बेनिफिट होगा, सारी बातों की चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि वहाँ होम पेज पे आपको सारा कोर्स दिखने लगेगा, उसमें जो न्यू बैच है, ठीक है, मैथ और रीजनिंग की, मैथ की ऑनलाइन की फी रखी गई है 2500, जो बेसिक फी है मैथ की वो है 2500 बाबू, और रीजनिंग की जो बेसिक फी है वो है 1250, ठीक है। हाँ, अब वो सारा कोर्सेज दिखने लगेगा, वहाँ टाइम दिखेगा 6 to 7 PM रीजनिंग, 7 to 8 PM मैथ, उसी को जाकर आपको परचेज कर लेना है, और आप वहाँ पे जब परचेज करने जाओगे कोर्स को तो वहाँ एक कूपन कोड का ऑप्शन होगा, और उस कूपन कोड के जगह पे
अगर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे उत्सव 2022 UTSAV2022, तो आपको अगर आपने वो फर्स्ट 100 स्टूडेंट के अंदर अगर आप आओगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा दोनों पे। आप कोई कोर्स पे इनरोल करोगे तो आप अगर 100 स्टूडेंट के अंदर होंगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिल ही जाना है, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से आप कोर्स को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। आप हमारे साथ ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़िए, जहां भी हो आप, जहां भी हो वहां से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। इस बार अभी हमारे बच्चे जो भी MTS का एग्जाम देकर आए हैं उनका एंसर शीट दिया है, अगर वो मिला रहे हैं तो मैथ और रीजनिंग में अधिकतर स्टूडेंट्स का 50 out of 50, किसी का 24 सही है, एक गलत है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो आप भी अपने स्कोर को एकदम उच्चतम श्रेणी पर ले जाना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे ज्वाइन करने से, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे सारे का चर्चा करेंगे अभी हम थोड़ी देर में। उससे पहले हम ऑफलाइन वालों का ऑफर क्या कर दें, डिस्कस कर दें, ठीक है भाई। तो बैच तो सेम है बाबू, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, दोनों 16 अगस्त से ही शुरू हो रहा है। टाइम 6 से 7 रीजनिंग, 7 से 8 मैथ, ठीक है, टाइम भी दोनों का सेम है। आइए ऑफलाइन वाले बच्चों को क्या ऑफर दिया जा रहा है। अच्छा, इस बार ऑनलाइन में एक और सुविधा दिया जा रहा है आपको, एक कॉम्बो बैच दिया जा रहा है। कॉम्बो बैच, जो मैथ और रीजनिंग दोनों एक साथ लेना चाहते हैं उनके लिए एक कॉम्बो बैच का ऑफर है, जिसमें आप एक ही साथ मैथ रीजनिंग दोनों परचेज कर सकते हैं। इस बैच का फी अगर आप देखेंगे तो 2500 और 1250, 2500 और 1250, ये दोनों ऐड करके 3750 हो रहा है। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा कॉम्बो बैच लेने पे थोड़ा सा क्या दिया जाएगा, डिस्काउंट, और उस डिस्काउंट पे फिर 30% का आप कूपन लगाकर डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बेनिफिट में बेनिफिट हो जा रहा है इस बार। चलिए, तो ये थी ऑनलाइन कोर्सेस की बातें। ऑफलाइन पे आते हैं बाबू, ऑफलाइन पे आए तो देखो ऑफलाइन में भी इस बार ऑफर थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है, ठीक है। अलग तरीके से इसलिए दिया गया है क्योंकि इस बार हम लोग एक अलग तरीके का 2022 हम लोगों के लिए खास होने जा रहा है, 2022 का अगस्त। क्यों भाई? क्योंकि इस बार हम 75 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो खास महीने में खास दिन के अवसर पर ऑफर भी खास है। क्या खास है? बैच का टाइमिंग आप समझ गए हैं, 6 से 7 मैथ, 7 से 8 रीजनिंग। अब ऑफर क्या है? तो ऑफर ये है भाई कि फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए अमूमन ऑफर आता था मैथ का 4500 में, लेकिन इस बार ये 4500 भी नहीं है। हम लोगों ने डिस्कस किया, सर ने बोला कि अमृत महोत्सव पर कुछ अलग तरीके का ऑफर होना चाहिए। तो देखिए हम लोग लेकर आ गए हैं आपके लिए एक अलग तरीके का ऑफर। क्या है? फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए जो फी होगा वो मात्र 4200 होगा। मैथ का बेसिक फी ऑफलाइन का आपको पता है 6600, लेकिन ऑन ये 6600 आज से मात्र कितना हो जा रहा है, 4200। लेकिन ये ध्यान रखेंगे ये सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए है। नेक्स्ट जो 100 स्टूडेंट होंगे, उनके लिए फी हो जाएगा 4400। उसके बाद अगले जो 100 स्टूडेंट होंगे उनके लिए हो जाएगा 4600। प्रत्येक 100 स्टूडेंट पे 200 का इंक्रीमेंट किया जा रहा है। और फर्स्ट अगले जो 100 स्टूडेंट होंगे उनके लिए हो जाएगा 4800, और वहीं पे ये ऑफर इंड हो जाएगा। ऐसे आपको पता है कि मैथ के बैच में कम से कम
1,000 to 1,200 स्टूडेंट होते हैं अप्रोक्स, 1,000 से 1,200। लेकिन ध्यान रखेंगे भाई, ये ऑफर मात्र 400 स्टूडेंट के लिए है। अगर आप 400 में नहीं आ पाए तो फिर आपका फी 6,600 हो जाएगा। तो इस बात का खासा ध्यान रखेंगे, ठीक है। रीजनिंग में उसी तरह पहले 50 स्टूडेंट के लिए 2,400, ये रीजनिंग का बेसिक फी आपको पता है 4,500 है, और ये 4,500 आपको फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए मात्र 2,400 लग रहा है। अगले जो 50 स्टूडेंट होंगे यानी 51 से लेकर 100 तक जो एडमिशन लेंगे उनका फी होगा 2,600, और नेक्स्ट जो 50 होंगे उनका 2,700। और इस ऑफर में रीजनिंग में ओनली 150 स्टूडेंट का एडमिशन लेना है, उसके 150 के बाद जो भी स्टूडेंट आएंगे उनके लिए फी हो जाएगा 4,500। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जितना जल्दी आप इनरोल कराएंगे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, जितना जल्दी इनरोल करेंगे एडमिशन लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है भाई। चलो अब बात आती है कि अगर कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा मैथ और रीजनिंग दोनों में एडमिशन ले तो उसको क्या खास मिलेगा। तो भाई पहले तो देखो ये बेसिक फी जोड़कर ऐड करें तो 6,600 और 4,500 ये मिलाकर हो जाता है 11,100। लेकिन ऑफर में आपका पहले ही हो चुका है ये फी कितना भाई, तो ऑफर में ये आपका पहले ही हो चुका है 4,400 और 2,400, 4,400 और 2,400, ये हो जाएगा आपका 4,200 और 4,400, 6,800। लेकिन अगर कोई बच्चा कंबाइंड एडमिशन लेता है तो कंबाइंड एडमिशन लेने पे पहले 50 स्टूडेंट के लिए ये फी हो रहा है मात्र 6,300, ठीक है। तो लो भाई एक और बेनिफिट मिल गया आपको, कंबाइंड एडमिशन लेने पे 68 आपका हो जा रहा है कितना, 63, पहले 50 स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट 50 स्टूडेंट जो एडमिशन लेंगे उनको उनका फी हो जाएगा 65, और नेक्स्ट 50 जो लेंगे उनका हो जाएगा 6,700, ठीक है। तो कंबाइंड एडमिशन ले रहे हैं मैथ प्लस रीजनिंग में, तो अगर आप पहले सिर्फ मैथ में एडमिशन लेते थे तो आपका 6,600 लगता था, और अभी क्या है कि 6,300 में आपका मैथ और रीजनिंग दोनों हो जा रहा है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आप मेरे ही कैंपस में क्यों एडमिशन लेंगे। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि भाई हमारे यहाँ बिना किसी ऐड का एक बैच में मिनिमम 1,000, मैथमेटिक्स की बात की जाए तो 1,000 से लेकर 1,200-1,300 तक स्टूडेंट होते हैं, यानी हमारे यहाँ मैथ का सबसे बड़ा बैच बनता है बिना किसी ऐड का, बस क्वालिटी के दम पे, ठीक है। और क्या क्या मिलेगा वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आप खुद सोचिए कि क्वालिटी के दम पे इतना बड़ा बैच बनता है, तो यहाँ जो आपको कंटेंट और क्वालिटी मिलने वाला है वो कहीं नहीं। रीजनिंग में 250 से 300 बच्चे होते हैं, ठीक है, सिर्फ क्या क्वालिटी के दम पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ उनको सुपर क्वालिटी मिलता है, कंटेंट सुपर लेवल का मिलता है, अपडेटेड मटेरियल मिलता है, ठीक है। तो आप बेहिचक यहाँ पे आपका कोई भी दोस्त पढ़ा हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्वालिटी मिलता है, और अगर आप बिना किसी हिचक के, बिना किसी डाउट के आप क्लास ज्वाइन कीजिए, आप जितना उम्मीद करेंगे हम लोग आपको उस उम्मीद से 10 गुना देंगे, ठीक है, ये हमारा प्रॉमिस है, ठीक है बाबू। तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, अगर मैं
मैथ की बात करूं तो आप देखो मैथ में आपको सबसे पहला आता है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज आपको मैथ हो या रीजनिंग हो, ठीक है, मैथ हो या रीजनिंग हो, आपको बाइलिंगुअल स्टडी मटेरियल बुक क्लास नोट सारा क्या मिलता है, बाइलिंगुअल मिलता है, बाइलिंगुअल मिलता है। तो जो भी हमारे जिस मीडियम के भी बच्चे हों, वो बिहार बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों, आईसीएसई बोर्ड के हों, या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे यूपी से भी आते हैं, एमपी से भी आते हैं, झारखंड से भी आते हैं, वेस्ट बंगाल से भी आते हैं, तो कोई भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हों उनको कोई इशू नहीं होने जा रहा है भाई। आपको एकदम बाइलिंगुअल स्टडी मटेरियल, बाइलिंगुअल नोट्स मिलेगा, कोई समस्या नहीं होने जा रहा है। दूसरा, मटेरियल की अगर बात करें तो आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ एकदम आपको अपडेटेड मटेरियल मिलेगा। मैथमेटिक्स की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ सिर्फ मटेरियल पे एनी टाइम मैथमेटिक्स में 4 से 5 बंदे लगे रहते हैं और रीजनिंग में 2 से 3 बंदे सिर्फ मटेरियल पे लगे रहते हैं। उनका काम ही है सिर्फ मटेरियल को क्या करना, अपडेट करना, ठीक है। इतना समझिए कि अगर दो अभी जो मटेरियल चल रहा है क्लास में, उसमें 2022 तक के आपको सारे क्वेश्चन मैथ के बुक में नजर आ जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, और उसी तरह रीजनिंग में भी आपको नजर आएंगे, ठीक है भाई। तो एकदम अपडेटेड मटेरियल मिलेगा, इतना अपडेटेड। आप अगर कल कोई एग्जाम हो रहा है बाबू, तो अगर उस एग्जाम से कोई अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और वो चैप्टर आपके बैच में चल रहा है, तो वो उसका क्वेश्चन आपको नेक्स्ट डे क्लासरूम में करा दिया जाएगा कि देखो कल के एग्जाम में ये एक अच्छा सवाल पूछा था, इसको कैसे, सबसे फास्ट और इजी मेथड बताया जाएगा। मैथमेटिक्स में एक एक सवाल को 2-2, 3-3 मेथड से बताया जाता है, ठीक है। रीजनिंग में भी आपको सबसे फास्टेस्ट अप्रोच बताया जाएगा कि हाउ टू सॉल्व फास्ट, ठीक है भाई। यहां तक कि बिना पेन उठाए सवाल को कैसे सोचते हैं, कैसे अप्रोच लेते हैं, यहां तक आपको क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। तो एकदम अपडेटेड मटेरियल मिलेगा, कंटेंट, ठीक है। आप समझे, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में आपको बेसिक में सिर्फ 1626 सवाल, 1626 क्वेश्चन सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर कराया जाता है। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज जो हमारा चैप्टर है उसमें 500 प्लस क्वेश्चन है, 500 या 600 प्लस क्वेश्चन है, ठीक। तो जितना कंटेंट आपको दिया जाएगा उतना कंटेंट हमें नहीं लगता है कि मैथमेटिक्स में जितना भीके सर कंटेंट देते हैं उतना कहीं और आपको मिलेगा, क्योंकि मैं भी अपने जमाने में मैथ्स पढ़ा था भाई, हम लोगों को तो 50-60 क्वेश्चन में चैप्टर खत्म कर दिया जाता था, और यहाँ देखते हैं एक एक चैप्टर में 1600, 700 क्वेश्चन एक एक चैप्टर में होते हैं, ठीक है। तो और अगर मैं उसको, मैंने भी बैंकिंग की तैयारी करी है, बैंकिंग के एग्जाम्स दिए हैं, तो जब मैं लेवल को चेक करता हूँ तो भाई परसेंटेज में आपको बैंकिंग के मेंस तक के सवाल डाले हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं कि हम जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ 2021, 2022, 2020 में जो मेंस के सवाल पूछे गए थे वो सारा हर चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ लिखा नहीं जाता है कि यहाँ बैंकिंग का, कैट का तैयारी कराया जाता है, यहाँ सच में कराया जाता है, जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं देखता हूं कि हर बैच में कम से कम
सौ डेढ़ सौ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अदर टीचर से पढ़े होते हैं और एक बार फिर से हमारे कैंपस में मैथमेटिक्स पढ़ने आते हैं, चाहे वो पटना के टीचर से पढ़े या अधिकतर स्टूडेंट तो ऐसे भी होते हैं जो दिल्ली के टीचर से मैथमेटिक्स पढ़े होते हैं और एक बार फिर से यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ने आते हैं। ठीक है, जब भी मैं ऑफिस में बैठता हूँ बच्चे इंक्वायरी करने आते हैं तो वो जो एक्सप्लेनेशन देते हैं इंक्वायरी के दौरान कि सर यहाँ पे फंस गए थे, यहाँ पे गए, समझ में नहीं आया, सर का बड़ा नाम सुने हैं इसलिए आए हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो भाई जो आप इसी से समझिए कि बच्चे जो दूसरे जगह पढ़ के संतुष्ट नहीं है वो आकर यहाँ पढ़ते हैं, कोर्स कंप्लीट करते हैं और बहुत ज्यादा खुश होकर जाते हैं, लगता है कि उन्हें क्या मिल गया है, जैसे अमृत मिल गया हो यहाँ पे। ठीक है, तो आपको आपके साथ भी यही होगा, इसलिए आप इनिशियल में ही इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, एकदम सही प्लेटफॉर्म पर आकर अपने तैयारी को नया आयाम दीजिए, तैयारी एकदम बढ़िया से कीजिए और मैथमेटिक्स और रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 लाना है तो भाई इस कैंपस में आना है। समझ रहे हैं बात को? तो ये हो गई कंटेंट की बात। हाँ, रीजनिंग में अगर बात करें तो रीजनिंग में भी आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। अगर आप बैंकिंग के, एसएससी के हों, बैंकिंग के हों, रेलवे के हों, मैथ और रीजनिंग में आपको कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, यहाँ देखो क्लास जो हम लोगों का चलता है, ठीक है, सबसे ज्यादा कंटेंट और इतना ज्यादा कंटेंट जो दिया जा रहा है, ये कंटेंट भी आपको समय पे पूरा कराया जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिलेबस को डिले कराया जाएगा। ठीक है, और अब तो 2021-22 से, ठीक है, सर ने मंडे टू संडे क्लास लेना शुरू किया है। किस लिए भाई? ताकि बच्चे का कंटेंट भी कम ना हो, क्लास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा कराया जाए और सिलेबस भी टाइम पे पूरा हो। इसके लिए आपका मैथ और रीजनिंग मंडे टू फ्राइडे एक एक घंटा तो होगा ही, सैटरडे संडे को एडिशनल दो दो घंटे या ढाई ढाई घंटे की आपकी क्लास लगाई जाएगी सैटरडे और संडे को। और अगर आप लॉजिकली देखें तो आप ये पाएंगे कि सर अगर हम मंडे टू फ्राइडे पढ़ते हैं तो मंडे टू फ्राइडे एक एक घंटे पढ़ते हैं तो एक गुना पाँच पाँच आवर पढ़ें, और अगर हम सैटरडे संडे को ही ढाई ढाई घंटे पढ़ लिए, ढाई ढाई घंटे का क्लास कर लिए या दो दो घंटे का ही क्लास कर लिए तो ये मंडे टू फ्राइडे एक सप्ताह में जो पढ़े, सैटरडे संडे जो पढ़े, वो दोनों तो इक्वल हो गया। तो बाबू अगर हम मंडे टू फ्राइडे सिर्फ पढ़ते हैं एक महीने तो सिर्फ आप पांच गुना चार बीस घंटे क्लास करते हैं। ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि अगर हम सैटरडे संडे भी दो दो घंटे या ढाई ढाई घंटे करा दिए तो यहां भी तो 16 से 20 घंटा हो गया। तो आप तो ऐसे अगर लॉजिकली देखोगे तो सैटरडे संडे अगर वाला क्लास किया जाए दो दो घंटे ही तो आप मंडे टू फ्राइडे एक महीना में जितना पढ़ते हैं, सैटरडे संडे हर सैटरडे संडे आ जाए तो वो भी एक महीना के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर तो जितना दिन में आप एक महीने में जितना पढ़ोगे वो तो दोनों मिलाकर एक महीने में दो महीने का कोटा पूरा हो गया। ये सिर्फ हम लोग कंटेंट कम नहीं किया जाए, सिलेबस टाइम पे पूरा हो, इसके लिए हम लोग इतना वर्क करते हैं आप लोगों के लिए कि बच्चे को नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा कराया जाए। ठीक है, उसका कंटेंट भी कम ना हो, उसको हर चीज समझ में भी आए और उसका सिलेबस भी डिले ना हो। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे अदर टीचर जो लोग परसेंटेज 7 से 8 घंटे पढ़ाते हैं, हमारे कैंपस में परसेंटेज 30 से 32 घंटा पढ़ाया जाता है। ठीक है, पजल
अगर रीजनिंग में बात करें तो बैंकिंग का मेन पार्ट है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। आपको पता है कि दूसरे जगह पजल और सिटिंग अरेंजमेंट 10 से 12 क्लास में खत्म कर दिया जाता है, और अगर आप हमारे कैंपस में पढ़ते हैं तो आपको सैटरडे संडे को स्पेशली पजल पढ़ाया जाएगा, और ये पजल 4 महीने लगातार पढ़ाया जाएगा। और अभी आपको हमने कंपेयर करके बताया कि अगर आप मंडे टू फ्राइडे आते हैं और सैटरडे संडे लगातार 4 महीने आ गए, तो ये मंडे टू फ्राइडे 4 महीना और सैटरडे संडे 4 महीना दोनों इक्विवेलेंट हो गया। यानी अगर मैं बोलूं तो बैंकिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बाबू पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, वो आपको यहाँ पे 4 महीना पढ़ाया जाएगा, एकदम 0 लेवल से मेंस लेवल तक। ठीक है, तो इतना कंटेंट तो हमें नहीं लगता है कि आपको पटना या दिल्ली में कहीं भी मिलने वाला है। इसके अलावा रीजनिंग में हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट देंगे, डेली प्रैक्टिस सेट। अब मैथ हो या रीजनिंग हो, आपको प्रैक्टिस के लिए बुकलेट दिया जाएगा। आप हमारा बुक बनाने के बाद कोई भी प्रीवियस ईयर हो या किसी भी राइटर का बुक हो, आप बना सकते हैं। अगर आपसे नहीं बनता है तो ऑफिस में मैं और वीके सर बैठा रहता हूं, आप आकर वहां पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सीनियर स्टूडेंट भी डाउट फैकल्टी के रूप में बैठे रहते हैं एनी टाइम, खास करके शाम के समय में, तो आप आकर उनसे भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो डीपीएस ये बुक लेट मिलेगा, और बुक बनाने के बाद आप कोई भी बुक बनाएंगे आपसे बनेगा, 100 में से 99 या 100% सवाल तो ऐसे ही बन जाना है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे डाउट है तो उसको भी आप क्लियर कर सकते हैं, हम लोगों से पूछने में कोई डर की बात नहीं है, कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, आप बेहिचक आकर सवाल पूछ सकते हैं। अब ये डीपीएस क्या है भाई, तो आपको ये बुक के अलावा 5000+ क्वेश्चन का हम सेट देंगे, सेट के माध्यम से ये 300+ सेट मिलेगा आपको, 300+ सेट। हर सेट में 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहला क्लास में आपको जितना पढ़ाया गया उससे जाकर आपको डीपीएस 1 बनाना है, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे। फिर दूसरा क्लास में आए तो दूसरा क्लास में जो डीपीएस 2 बनाएंगे आप 15 क्वेश्चन का, बाबू इस डीपीएस 2 में सिर्फ सेकेंड क्लास का 15 क्वेश्चन नहीं होगा, पहला और दूसरा क्लास मिलाकर जितना पढ़ाया जाएगा उससे 15 क्वेश्चन होगा, एकदम यूनिक चीज जो सिर्फ आपको हमारे पास ही मिलेगा। ठीक है, तीसरा क्लास में जाकर जब आप डीपीएस 3 बनाएंगे तो इसका जो 15 क्वेश्चन होगा मेरे भाई, वो पहला से तीसरा क्लास मिलाकर जितना पढ़ाई हुआ है उससे 15 क्वेश्चन होगा। और उसी तरह मान लीजिए आप ऐसे करते करते 10 क्लास कर लिए, तो 10वां क्लास में जो डीपीएस 10 बनाएंगे उसके जो 15 क्वेश्चन होंगे, वो पहला क्लास से लेकर 10वां क्लास तक जितना पढ़ाई हुआ है उससे होगा। इसी तरह अगर आप 100 क्लास कर लिए तो 100 क्लास करने के बाद जो घर जाकर उस दिन एक सेट बनाएंगे डीपीएस नंबर 100, उसमें 1 से लेकर 100 क्लास तक जितना पढ़ाई हुआ है 1 to 100 क्लास का 15 क्वेश्चन होगा। इससे क्या बेनिफिट है, तो स्टार्टिंग में बच्चे सेट प्रैक्टिस करते नहीं हैं क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, और बाद में जब करते हैं तो उनको रिवीजन की जरूरत होती है। लेकिन हम आपको सेट अपने अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग खुद तैयार करके आपको देंगे। इससे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्लास में जो आप पढ़े हैं डेली डीपीएस के माध्यम से, आपका सेट के माध्यम से रिवाइज हो रहा है, जिससे होगा क्या कि जब आप यहाँ 6 महीना 7 महीना रीजनिंग करके निकलिएगा तो आप रीजनिंग के स्टूडेंट नहीं टीचर बन के निकलेंगे। आपका रीजनिंग इतना स्ट्रांग होगा क्योंकि आप कुछ भूले ही नहीं है भाई, पहला क्लास में जो आप पढ़े वो डेली डीपीएस के माध्यम से आपका रिवीजन हो रहा है, क्वेश्चन का क्वालिटी भी अच्छा अच्छा आ रहा है, तो आप एकदम पक कर आग बन जाओगे।
ठीक है, समझ रहे हैं। मैथ में सर के द्वारा 1 से 3 PM में आपको क्या चलाया जाता है, ये सेम चीज मैथमेटिक्स में 1 से 3 PM में आपको एक सेट का बैच सर ने दे रखा है, ठीक है। आप 5-6 चैप्टर 4 चैप्टर करने के बाद इस सेट बैच को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वहाँ आपका रिवीजन होता रहेगा मैथमेटिक्स में, डेली उसका डिस्कशन कराया जाएगा, तो आप एकदम पक कर आग बन जाओगे, ठीक है। कुल मिलाकर अगर बोला जाए भाई, तो संकोच की कोई बात नहीं है, जो यहाँ पे आपको मिलेगा एकदम डाउट में नहीं रहना है। जो क्वालिटी और क्वांटिटी आपको यहाँ मिलने जा रहा है वो आपको कहीं नहीं मिलने जा रहा है, ये मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। अगर इसमें थोड़ा सा भी इफ बट हुआ तो आप हमसे अपना पूरा पैसा वापस करा लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार, अधिकतर लोग तो जानते ही हैं, क्योंकि जो यहाँ पढ़े हैं उनके भाई बंधु जो हैं वो तो यहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं वो भी एक बार इस कैंपस पे भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, एडमिशन लीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस मोड में लेना है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें एडमिशन लीजिए, अपने तैयारी को स्टार्ट कीजिए, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, और इंजीनियर वीके गुप्ता कैंपस के साथ आप एक नई ऊंचाई को प्राप्त कीजिए, ठीक है। चलिए, तो विशेष और कुछ हमें नहीं लगता है कि डाउट रहा होगा। हाँ, ऑफलाइन वाले बच्चों का एक डाउट होता है कि सर अगर क्लास के दौरान हमारी तबीयत लंबे समय के लिए खराब हो गई या 10-15 दिन के लिए हमें एग्जाम देने जाना पड़ा तो क्या होगा, तो भाई ऑफिस भी है, सारा इंक्वायरी यहीं ले लिया जाएगा, तो ऑफिस किस काम का। लेकिन फिर भी मैं आपका डाउट क्लियर कर ही देता हूँ कि उसके लिए भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपका जो भी छूटा, आप जिस बैच में बोलोगे, जिस बैच में आपको टाइम होगा, उस बैच में आपको अलाउ कर दिया जाएगा। इवन पूरा मैथमेटिक्स या रीजनिंग पढ़ने के बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरा 5 चैप्टर 4 चैप्टर क्लास छूट जाने के कारण वीक रह गया है, तो वो चैप्टर पूरा आपको फिर से पढ़ा दिया जाएगा, जितना हो सके इंस्टीट्यूट के तरफ से, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट, ये परिवार आप ही का है, तो जितना हो सकेगा, जितना हम लोगों से हेल्प बन पाएगा, उतना हम आप लोगों के लिए हमेशा, मैं और वीके सर, ये पूरा टीम आपके लिए हमेशा खड़ा है, कोई इशू नहीं होगा आपको, ठीक है, जितना हो पाएगा। अब जो पॉसिबल ही नहीं है उसकी तो बात ही करना बेकार, ठीक है। तो आप लोग एडमिशन लें, ठीक है, 16 अगस्त से ध्यान रखेंगे, लेकिन जितना जल्दी इनरोल कराएंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऑफर ही कुछ इसी तरह का दिया गया है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे, और लास्ट में आप सबों को हमारे देश की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग अच्छे से इस बार का स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कीजिए, अमृत महोत्सव के रूप में जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसको सबों को अच्छे से मिलजुल कर सेलिब्रेट करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं क्लास में।